फिर हम आज आ गए रलिया के गांव में और यहां पे एक मंदिर है देखिए और बहुत ही खूबसूरत है और यहां आजू बाजू की लोकेशन देखिए। तो फर्स्ट टाइम मेरे दोस्त के साथ आया हूँ, उसने मैं तो एक्चुअली नहीं आना चाहता था, मना कर रहा था, पर उसने बोला चल थोड़ा ग्राउंड मार के आते हैं। और दाहोद में इतनी खूबसूरत जगह मैंने पहली बार देखी है दोस्तों आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत जगह है, अभी बारिश होने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी दोस्तों। पेड़ और कितनी यानी आपकी जहाँ कहीं नज़र जाएगी तो हरियाली है, खूबसूरती है और शांति है। तो दोस्तों और क्या चाहिए इस, अभी आप जानते हो कि कितना स्ट्रेस लोगों को होता है, तो ऐसी खामोश शांत जगह पे आके तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी थोड़ी सर दर्द कर रहा था तो वो भी बंद हो गया अचानक से, ये तो नेचुरल थेरेपी है दोस्तों। वाह देखिए कितना खूबसूरत कितना बड़ा पेड़ है। थैंक यू काका। ये बहुत पुराना पेड़ लग रहा है मुझे तो, और बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा तो कहीं मुझे लग रहा है कहीं दूर फॉरेस्ट में कहीं पे कहाँ आ गया हूँ मुझे भी पता नहीं है, किसी और घने जंगल में आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। मेन डिस्कवरी पे आप देखते हैं ना मैन वर्सेस वाइल्ड और घने जंगल होते ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे तो। अलग अलग तरह का पंछी भी है यहाँ पे, आवाज सुनिए आपको सुनाई दे रही हो तो पंछियों की आवाज जो आ रही है बहुत ही सुकून देने वाली आवाज है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ आके आपको, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है मैं तो बार बार आऊंगा, हर वीक शायद एक बार तो आ जाऊँ यहाँ पे। थैंक्स टू माय फ्रेंड बुरहानुद्दीन जो मुझे यहाँ लेके आए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बात है, काका ने झुकड़ी मेरे से काका झुकड़ी है दोस्तों। अभी जाने का वक्त हो गया है और मुझे यहाँ के बहुत मज़ा आया दोस्तों। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आप आगे मेरे चैनल पे कौन से वीडियो देखना चाहते हैं। ओके बाय, टेक केयर।